हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुफरान खान आज आपके लिए लेकर आया हूं एक सीएनजी से रिलेटेड वीडियो। दोस्तों, मैं आपको फाल्ट की पहले वीडियो दिखाऊंगा, आप पहले फाल्ट की वीडियो देखिए। और फ्रेंड्स, अगर ये आपको फाल्ट अगर आपने पहले कभी देखा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अगर नहीं देखा है तो ये फाल्ट आपकी आपके पास जल्द ही आएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आपकी YouTube में मिल जाए। तो देखिए, आप पहले ये वीडियो में आपको दिखाता हूँ फाल्ट की। तो दोस्तों, ये वीडियो आप देख चुके हैं, इसमें चेकिंग इनकी लाइट है वो ब्लिंकिंग कर रही है। दोस्तों, इसमें जो मेन फॉल्ट है वो ये है कि गाड़ी सीएनजी पर चलती है और खाती पेट्रोल है, यानी कि सीएनजी पर चल रही है और पेट्रोल खाती है। नियम में बता दूं, ये स्विफ्ट डिजायर है, प्योर मॉडल है, सीएनजी कंपनी फिटेड है और 2018 मॉडल है। दोस्तों, ये सीएनजी पर चल रही है और पेट्रोल खा रही है। और सीएनजी बिल्कुल नहीं खाती है, सीएनजी जहां जितने पॉइंट है उतने ही पॉइंट रहते हैं। और पेट्रोल को अगर आप हाफ टैंक भी कराएंगे तो सीएनजी पर शो करते करते हाफ टैंक को खा जाएगी और सीएनजी आपकी वही की वही रहेगी। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले इसमें स्कैनर लगाया और स्कैनर लगाने के बाद जो इसमें फॉल्ट आया वो आया सिलेंडर वन मिसफायर और दूसरा कोड आया इसमें मल्टीपल मिसफायर सिलेंडर, यानी क्या एक नहीं दो कोड काम नहीं कर रही। तो मैंने प्लग खोल दिए, प्लग खोल करके चेंज कर दिए चारों, और एक और तीन मैंने इसमें इग्निशन कॉइल डाल दी। डालने के बाद गाड़ी 10-5 किलोमीटर सही चली, उसके बाद फिर ऐसे ही फिर पेट्रोल की खपत ज़्यादा बढ़ने लगी। सीएनजी वहीं रुक जाती थी और पेट्रोल खाने स्टार्ट। फिर उसके बाद दोस्तों, मैंने फिर गाड़ी को खोला, फिर मैंने देखा, फिर मैंने स्कैन करा तो फिर सिलेंडर वन मिसफायर। फिर मैं इसके हो सकता है कॉल दोबारा खराब हो गई हो, दोबारा कॉल खराब होगी, तो हमने फिर इसमें फिर कॉल डाली और साथ में कॉल की वायरिंग भी चेक कर ली। वायरिंग चेक करने के बाद दोबारा हमने गाड़ी को चलाया, साथ में थ्रॉटल बॉडी साफ कर दी, इंजेक्टर की भी वायरिंग देख ली, क्या पता वो इंजेक्टर काम नहीं कर रहा हो, इंजेक्टर देख लिया, पेट्रोल के चारों इंजेक्टर क्लीन करा दिए, थ्रॉटल बॉडी क्लीन करा दी, चारों नए डाले। फिर हमने नेक्स्ट टाइम हमने कॉल ही चारों नहीं डाली। उसके बाद 10-5 किलोमीटर गाड़ी चलाई, फिर गाड़ी 10-5 किलोमीटर ठीक चली, उसके बाद फिर वही कंडीशन। फिर उसके बाद फिर हमने और शॉप पर लाई गाड़ी, फिर हमने देखा अब हमारा शक ईसीएम पे पहुंच गया, हो सकता है ईसीएम में गड़बड़ हो। स्कैनर लगाया, फिर वही सिलेंडर वन मिसफायर और मल्टीपल, मतलब एक नहीं दो कॉल, अरे कॉल तो चारों डाल दी। फिर उसके बाद ईसीएम मंगाया, ईसीएम डाल के देख लिया, सीएनजी वाला ईसीएम मंगाया वो डाल के देख लिया, लेकिन गाड़ी ठीक नहीं हुई। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि इसमें अब चीज क्या चेंज करें। तो दोस्तों, फिर हमारा दिमाग एक ही चीज पर गया, सीएनजी के इंजेक्टर। क्या पता सीएनजी के इंटर फेल होने पर, जब वो फेलियर होंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक पेट्रोल पे आ सकती है, ऐसा होता है। तो हमने सीएनजी के जब मल्टीपल आते थे तो हमारा दिमाग वहां चला गया कि मल्टीपल ही का मैं मतलब दो इंजेक्टर ही खराब हैं, अगर एक इंजेक्टर खराब होता तो ये कंडीशन नहीं बनती, यानी कि दो इंजेक्टर सीएनजी के खराब हैं।
तो हमने बराबर में दूसरी गाड़ी से उसकी सीएनजी की जो इंजेक्टर की रेंज है वही हमने चेंज कर दी, और चेंज करने के बाद दोस्तों हमने 50 किलोमीटर गाड़ी चलाई और सीएनजी की ही खपत हुई, ना कि पेट्रोल की। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कम खर्चे में और आपका कम समय में ये गाड़ी आप। दोस्तों बस मैं यही चाहूँगा कि कोई भी मेरा भाई कोई मेरा फ्रेंड इस फॉल्ट में ना फंसे। तो फंसते तो समय अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं, लेकिन अगर मेरी वीडियो के माध्यम से अगर देखा जाए तो आपको कुछ हिंट मिलेंगे मेरी वीडियो से और कुछ मदद मिलेगी। और आप सभी चीज़ चेक करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट सीएनजी का इंजेक्टर डाल दें, आप सारी चीज़ चेक करें और चेक करके अच्छा फैसला लें और देखें कि इसमें इंजेक्टर की प्रॉब्लम है या इग्निशन कॉइल की। मैंने चार इग्निशन कॉइल इसमें डाल दी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ECM भी डाला कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए मेरे चैनल से बने रहिए और मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा एक नई वीडियो के साथ। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।